आज गुरुवार वार्ड के अंदर कल मेरे कुछ नौजवान साथियों ने मुझको फोन किया और मुझसे अपील की गुरुवार वार्ड बुशेर नगर इलाके के अंदर आप आइए। और मैं वैसे आने ही वाला था लेकिन मैंने अभी वक्त दिया। मैं सबसे पहले इस गुरुवार वार्ड बुशेर नगर वार्ड के सभी हमारे जिम्मेदारान का, सभी हमारे नौजवान साथियों का, सभी हमारी मां बहनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने असेंबली के इलेक्शन में मेरे लिए रात और दिन एक किया, मेरे लिए मेहनत की, मेरे लिए जैतोजहद की और मुझे 78,000 वोट देकर मालेगांव शहर की आवाम ने नवाजा और ये साबित कर दिया कि आज भी हारने के बाद भी 78,000 आवाम वोटर मेरे साथ है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कल भी कहा और आज दोबारा मैं कह रहा हूं कि हम इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं। एक फैसला और मैंने किया हूं, मैं आप लोगों से बहुत बहुत माफी चाहता हूं कि 5 साल मेरी ये कोशिश थी कि मैं शहर के अंदर बड़े बड़े तामीरी काम करूं, बीजेपी की गवर्नमेंट से लड़कर मैं ज्यादा से ज्यादा इस शहर का विकास और डेवलप करूं, मैं हमारे बच्चों को तालीम दूं, मैं हमारी सनत को बहुत आगे ले जाऊं और ये शहर को खुशहाल रखूं। मेरा पूरा 5 साल इस शहर के डेवलप के लिए लगा, इस शहर के बच्चों की तालीम के लिए लगा, इस शहर की सनत के लिए लगा, इस शहर के विकास के लिए लगा और यही वजह रही कि मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में 5 साल बहुत कम वक्त दे पाया। शायद आप लोग इस वजह से भी नाराज हो गए लेकिन मैंने कल इस बात का फैसला किया हूं कि मालेगांव शहर की आवाम को शायद इस शहर का डेवलप पसंद नहीं है, शायद मालेगांव शहर की आवाम को तालीमी तरक्की पसंद नहीं है, शायद मालेगांव शहर के सनतकारों को, बुनकरों को शायद अपना सनत की तरक्की अजीज नहीं है, शायद इस शहर के विकास, इस शहर का डेवलप, इस शहर को आगे ले जाना शायद पसंद नहीं है। और इसीलिए मैंने अब इस बात का फैसला किया हूं, ये तय किया हूं, शहर को तो साथ लेकर चलना है, इसके अंदर दो राय नहीं, लेकिन अब जीना भी गरीबों के लिए और मरना भी गरीबों के लिए। मैंने कर चुका हूं, मैं आप लोगों को यह बात भी कहना चाहता हूं कि यह हार एक शख्स सामने था और वो मैं, और आप मेरे साथ खड़े थे और हमारे सामने अपोजिट में कई निगरान थे, कई फौज हमारे सामने थी हमको हराने के लिए। बहरहाल
वो लोग कामयाब हो गए और हम हार गए। और जमहूरियत में सरों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। और हमने हार को माना, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि आज भी शेख रशीद के परिवार को, मुझको, 78,000 आवाम वोटर मोहब्बत करती है, प्यार करती है। मैं आपका बहुत बहुत आपको सलाम करता हूं। ताज्जुब इस बात का होता है कि ये शहर के अंदर ये शहर क्या चाहता है, इस शहर की आवाम क्या चाहती है। मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं ये शहर को बहुत तरक्की के ऊपर लेकर जाऊं, लेकिन जिस तरीके से हमारे अपने साथ हुआ, जो लोगों के मैंने काम किया, जो लोगों के लिए मैं रात और दिन एक किया, वही लोगों ने मुझको धोखा देने का काम किया। गद्दार से गद्दार, गद्दार से गद्दार, गद्दार से गद्दार। और वो लोग ये कामयाब हो गए, झोपड़पट्टी की ओट को फोड़ने के अंदर, सेम लगाने के अंदर वो लोग कामयाब हो गए, और आप लोग नहीं समझ पाए। आप लोग जज्बात के अंदर, झोपड़पट्टी की आवाम ने जज्बात के अंदर फैसला कर लिया, और आज आपको अफसोस हो रहा है और शहर को भी अफसोस हो रहा है। बार बार हम लोग ये बात समझाने की कोशिश शहर की आवाम को कर रहे थे कि ये शहर के अंदर सभी बिरादरियों को हम साथ लेकर चलेंगे, बिरादरीवाद का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है कि मस्जिद से, मस्जिदों से सही बात इलेक्शन लड़ा गया, बहुत अफसोस होता है। सही बात है, ठीक है, सही बात है। औरतों के इज्तिमा के अंदर इलेक्शन लड़ा गया, बहुत ताज्जुब होता है। गंदी जगह गई और बिरादरीवाद का नारा देकर मुझको हराने का काम किया। मैं आज पूछना चाहता हूं हमारे शहर के उलमाओं से, मैं पूछना चाहता हूं हमारे इस मस्जिद और मीनारों के शहर में, इस शहर की आवाम से, कि अगर कोई हिंदू भाई अगर एक भगवा गुलाल उड़ा दे हमारे मस्जिदों के बाहर, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग उसको जातिवाद का रंग देते। मैं पूछना चाहता हूं हमारे उलमाओं से कि कल इस शहर के अंदर क्या किया गया, सिर्फ कलर का फर्क था। हिंदू भाई भगवा लाल रंग का गुलाल से खेला करते हैं, खुशी मनाते, लेकिन हरा रंग से यहां के मस्जिदों को भी इज्जत का मापाल किया गया। मस्जिदों के सामने गुलाल खेला गया, मस्जिदों के सामने नारे लगाए गए, मस्जिदों के सामने डीजे बजाए गए। कहां गए शहर के हमारे उलमा भाई? मैं पूछना चाहता हूं कि कब आप बोलोगे, कब ये शहर के अंदर आप अपना मुंह खोलोगे, कब इस शहर को समझाओगे कि इस शहर शरीयत के मुताबिक नहीं है, ये कब करोगे? मेरा सवाल इस शहर के मेरे मोहतरम उलमा इकराम से है, मेरा सवाल है कि कब ये आप बोलोगे कि हमले औरतों के इस्तेमाल से आप इलेक्शन का प्रचार नहीं होना चाहिए? आप ये कब बोलोगे कि दीनी तंजीमों के प्लेटफार्म से इलेक्शन का प्रचार नहीं होना चाहिए? आप ये कब बोलोगे कि मस्जिद से प्रचार नहीं होना चाहिए? कब बोलोगे आप?
हमारे जैसे जाहिल लोग अगर बोलेंगे तो आप जरूर हमारे खिलाफ में खड़े हो जाओगे, लेकिन अगर एक आलिम और उसके हवाले मवारी जब बोलते हैं तो आप कब मुंह खोलोगे? इस शहर के मुसलमानों को आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारे उलमा भाव से मैं बोलना चाहता हूँ, जवाब देना पड़ेगा। हम भी मुसलमान हैं, हम भी एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम भी एक रसूल को मानने वाले हैं, हम भी एक कुरान को मानने वाले हैं। तो फिर क्या वजह है कि इस तरीके का मजहब का इस्तेमाल करके, मजहब का सारा लेकर इस शहर के अंदर इलेक्शन लड़ा गया? इसका जवाब आप कब दोगे? ये सवाल मैं आपसे पूछता रहूंगा, जब तक आप जवाब नहीं देंगे मुझे आप कोई परवाह नहीं। सियासत के अंदर मेरा प्रॉफिट हो, कोई परवाह नहीं मुझे। कुछ भी करो, कोई परवाह नहीं, ना मिले। लेकिन आप हमारे उलमाओं से मैं पूछना चाहता हूँ, आप इसका जवाब दे दो। जब आप ऐलान करते हो कोई मिले, आप जब ऐलान करते हो, जब आप ऐलान करते हो जरा मेरी बात, जब आप ये ऐलान करते हो कि ट्रिपल तलाक के नाम पर जुलूस निकाला जाएगा, शरीयत में मुदाखलत हुई, तो ये भी हमारे वर्कर भी मुसलमान है, ये भी शरीक थे। हम जब नहीं देखते कि कौन जुलूस निकाल रहा है, जब मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा था, जब मॉब लिंचिंग के नाम पर जुलूस निकाला गया, हमारे वर्करों ने ये नहीं देखा कि जुलूस कौन निकाल रहा, कौन क्यादत कर रहा? हम एक मुसलमान की हैसियत से हमारा वर्कर भी शरीक रहा। जब आप आवाज देते हो एहतजाज करने के लिए तो हम एक मुसलमान की हैसियत से शरीक होते हैं, एहतजाज करते हैं, हुकूमत से लड़ने का काम करते हैं, तो फिर आज हमारे साथ ऐसा क्यों? जब आप बुलाते तो हम आते। अब इस शहर में गलत हो रहा, मजहब का सारा लिया जा रहा, तो इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। हमारे शहर के बहुत ही मैं एहतराम के साथ हमारे सभी उलमाओं से बोलना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी मसलक के उलमा हो, मैं जवाब चाहता हूं, जवाब देना होगा। इसका जवाब बिगर सब काम अधूरा है। ये शहर आगे नहीं बढ़ेगा, ये शहर में इत्तेहाद नहीं आएगा। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो इत्तेहाद बढ़ेंगे, फिर आप पर से भरोसा उड़ेगा, दीनी तंजीमों पर से। हमारे वर्कर को भी सोचना पड़ेगा कि जब हमारे लीडरान के साथ या हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? ये सवाल आज ये बहुत बड़ा सवाल इस शहर के सामने है। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इलेक्शन हारा हूं, मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि यह शहर का इत्तेहाद हमको अजीज है। मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि यह शहर को संभालने की जिम्मेदारी हम उलमाओं के पीछे चलते हैं, दीनी तंजीमों के अलग अलग मसलक की तंजीमों के पीछे चलता है ये शहर। ये शहर को संभालने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। सियासी बात आएगी तो हमने तो लड़ा हमारे वर्करों ने और लड़ते रहेंगे। हम डरने वालों में से नहीं, हम खटमल के धात से गोदड़ी छोड़कर भागने वाले हैं। हम छोड़कर भागने वाले हैं। कल क्या हुआ गुलशेर नगर डिपू में, रात में बाहर के लोग आते अभी भी और गलत सरत नारा लगाकर किसी का दिल दुखाते। ये क्या सही है क्या शहर के अंदर? अगर कांग्रेस के वर्कर अगर कोई गलती से गलत नारा लगा दिए तो पूरा शहर सर पर उठा लेते हो, पतवा निकल जाता। और तुम आलिम हो, तुम्हारे वर्कर यहाँ एक दूसरे के मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे, क्या तुम इनको रोक नहीं सकते?
याद रखना, ये आज हम लोगों ने हमारे वर्करों से अपील की है कि हार और जीत होती है ये अल्लाह का फैसला है, यह हमारा ईमान है। हमने अपील की हमारे वर्करों से कि अमन अमान बरकरार रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस शहर के अंदर हमारी अपनी, और हमने अपील की कि अमन के साथ हमको वक्त गुजारना है। लेकिन अगर कोई भी वर्कर हमारे मुखालिफ पार्टी का अगर जबरदस्ती हमारे वर्करों को छेड़ेगा तो इस शहर की पुलिस से मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ मैं इलेक्शन हारा हूं, 78,000 आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है। शहर की पुलिस से मैं बोलना चाहूंगा, अगर यहां होंगे तो सुनो, और नहीं होंगे तो ये वायरल होगी ये वीडियो, पुलिस डिपार्टमेंट सुन लेगा। मैं जिला एसपी मैडम से बोलना चाहूंगा, मैं एडिशनल एसपी से बोलना चाहूंगा कि कल से जो नंगा नाच शहर में नाचा जा रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट ने इन लोगों को काबू में कर लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। और नहीं तो हमारे वर्कर अगर बिगड़ गए तो फिर संभालना हमको भी मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल और पुलिस को भी हो जाएगा। मैं तो साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि हमने इंसानियत से इलेक्शन लड़ा और हम अमन पसंद लोग हैं, और हम अमन पसंद के साथ अमन के तरीके से हम इस शहर के अंदर रहना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर शेख रशीद साहब के खिलाफ और मेरे खिलाफ बहुत कमेंट की जा रही है, त्रिकोण भेजने की बात की जा रही है। शेख रशीद साहब की और मेरी ये जन्मभूमि है, तुम्हारे बाप का मालेगांव नहीं, ये मालेगांव के ऊपर ये हमारी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, और दफन भूमि भी यही है। बाप का मालेगांव नहीं है, पास आ जाओ अगर तुम ये चाहते कि शहर कम नामन खराब हो तो बोल दो तुम्हारे लीडर से, क्या ऐलान कर दे कि ये शहर कम नामन हमें भी मंजूर नहीं, मैं भी मंजूर नहीं कर दूंगा, जाओ। हमने जातियात पर बोलने की शुरुआत अगर की, अगर हमने जातियात पर बोलने की शुरुआत की तो हम तो पैजामा भी उतारना जानते हैं, अभी तक जातियात से आए नहीं, और किसका कहा टंगा रहता है ये भी मालूम है, और मेरे पास रिकॉर्ड है, अब तो रिकॉर्ड। लेकिन मैं मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने ऐसी मुझे तालीम नहीं दी कि मैं इसे रास्ते पर आऊं, और नहीं तो तुम्हारा काला चिट्ठा निकालने की शुरुआत अगर करा तो कौन सा शख्स हो, कौन सी मस्जिद में क्या किया वो भी मेरे पास सबूत है। अगर तुमने बंद नहीं की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, और मैं सही मानों में आज हमारे नौजवानों की दावत के ऊपर यहां पर आया हूं,
और इसके लिए आया हूं कि आपको सलाम करने, आपको शुक्रिया अदा करने के। मेरा डिपो के अंदर जिम्मेदारान और नौजवानों ने मालेगांव के अंदर सबसे ज्यादा वोट देने का काम किया मुझे। गुरुवारवाद के अंदर मुझे मालेगांव से सबसे ज्यादा वोट मिली। मैं इसके लिए मैंने मेरा दावत कबूल की और मैंने दौरे की यहां से शुरुआत की। और हम लोग बैठने वाले नहीं है, मायूस होने वाले भी लोग नहीं है हम। वो तो कल मैं एहतियात के तौर पर शहर में नहीं निकला और आज निकल चुका हूं। तुम्हारा 5 साल इतना आसान से मैं गुजरने नहीं। तुम भूल जाओ, इतना आसान तुम्हारा 5 साल गुजरने नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैंने जो कमेंटमेंट किया हुआ फाइनल आज ही निकला था। सुबह 11 बजे तो देखा, बोले गवर्नमेंट की छुट्टी है, कॉर्पोरेशन की छुट्टी, प्रांत की छुट्टी, बोले गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, बोले दीपावली है, बोले दिवाली के बाद तो खुलने वाली है ऑफिस, दिवाली के बाद तो खुलने वाली है, सरकार बनने वाली है, चाहे कोई भी पार्टी की हो, मुंबई भी जाऊंगा और भारत से इज्जत ज्यादा बना के रखा हूं, ज्यादा इज्जत बना के रखा हूं। और यहां भी खुद के ठोकूंगा और वहां भी ठोकूंगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं। चाहे 21 नंबर, 18 नंबर या 17 नंबर या और भी शहर के अंदर, शहर के अंदर जो जो लोगों ने सियासत में इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, सबको आजादी है, वो विचार का मानने वाला हूं। लेकिन जो तुमने जातियात पर बोलकर इलेक्शन लड़ा ना, मैं उसका बदला लूंगा, उसका बदला लूंगा, लेना जरूरी है और छोड़ूंगा नहीं। और यकीनी तौर पर आप लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये शहर के अंदर इन्होंने, मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, आपने खोल दिया, आपने खोल दिया। और अल्लाह का करम है, तुम तो तजुर्बा लेने जा रहे हैं, 5 साल का हो चुका, कौन से ऑफिस पे जाना, कौन से टेबल पे जाना, कैसे लेटर ड्राफ्ट करना, कैसे टाइप करना, कैसा दुखती रख के ऊपर हाथ रखना, सब आता है। सिर्फ सियासी लीडरान से नहीं, जो लोगों ने मुझसे काम लिया, काम लिया और धोखा दिया, झूरा खोपा पता है पीठ पर, सामने से सकते थे। लेकिन तुमने जो धोखा देकर अंधेरे में जो तुमने पीछे से वार किया है ना, इसका जवाब तो शेख आसिम को जरूर देगा। और मैंने कई लोगों के काम किया हूं, लेकिन आखिरी पत्ता कभी भी मैं मेरे पास सवाल, आखिरी पत्ता हमेशा मेरे पास संभाल के रखता हूँ। ये तुम्हारी भूल थी,
जब तुम मुझे एड़ा समझ रहे थे, भोला समझ रहे थे, समझ रहे थे, सीधा समझ रहे थे, मैं बिल्कुल वैसा नहीं है। मैं एड़ी के मत सब मुझे समझता था। मैं सब समझता था, लेकिन मैंने कहा ना कि आखिरी पत्ता मेरे पास, मैंने संभाल के रखा और उसकी शुरुआत, ये छुट्टियां गुजरेगी और उसके बाद शुरू होगा। उसके बाद जब मैं शुरू करूंगा जाना, ये हमारे गांव शहर की आवाम अपनी आंखों से देखेगी। ये शहर के अंदर, अब ये शहर को जब विकास पसंद नहीं है, मेरे 78,000 लोगों को पसंद आए पसंद नहीं है तो आप जैसा चाहोगे, और आपने जैसा चैलेंज किया वैसा मुझे चैलेंज कबूल है तुम्हारा। मेरे सभी नौजवान साथियों से, सभी मेरे जिम्मेदारान से मैं ये बोलना चाहूंगा, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, आपको मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं, आप भी हिम्मत मत हारो। मैं आज जैसे आया हूं, मैं जरूर हर हफ्ते 8 दिन में 10 दिन के अंदर मैं आप लोगों के बीच में आकर रहूंगा, काम करूंगा, राशन कार्ड का भी हो, बेवा फंड हो, जन्म दाखिले का हो, दवा खाने का हो, तुम्हारे जो भी काम है मैं करने के लिए तैयार हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं मत जाने, कोई जाने की जरूरत नहीं। पहले की तरह मैं बिल्कुल काम करता रहूंगा, काम करता रहूंगा, आपको मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपको मजीद और मेरे हाथों को कैसे आप लोग मजबूत कर सके, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी ताकत के साथ लड़ता रहूंगा इस शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन आपको बेदार रहने की जरूरत है। जो आप लोगों को धोखा दिया गया ना, 19 तारीख को से धोखा शुरू हुआ आपसे, 18, 19 और 20, और 21 की रात, ये 4 दिन में आपको धोखा दिया गया। याद रखना मेरी बात, पूरे इलेक्शन में तुमको धोखा नहीं था, लेकिन आपका जो धोखा दिया गया, ये शहर की आवाम को जो धोखा दिया गया, ये आप लोगों को अब बेदार रहना होगा। अगर कोई लोग 4 दिन में धोखा दे सकते तो आपको रोजाना धोखा दे सकते, और उनके मुफाद के लिए फिर आपके पास आएंगे कि आप तो हमने हमारा इलेक्शन आप हमारा आ रहा है, अब तो उनका था। अगर आपको मोहब्बत है मुझसे, अगर आपको शेख रशीद साहब से मोहब्बत है, मैं बुलशेर नगर डिपो को लोगों से बोलना चाहूंगा, मैं गुरुवारवाद की आवाम से बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मोहब्बत है तो आपको मेरी शिकस्त का, मेरी हार का बदला उन लोगों से देना। उनसे बदला लिया गया है। 24 तारीख का जब नतीजा आया कल, तो तुमसे बदला लिया गया है, मुझसे नहीं। याद रखना, इस्लामाबाद भेजो, ये आपसे बदला लिया गया है और आपको उसका बदला आपको ही लेना होगा। मैं आपके साथ मजबूती के साथ, शेख रशीद साहब और हम लोग आप लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। आप उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ये समझ रहे कि सिर्फ आम पे चले जाना, धौस दे देना, किसी को गरीब को मार लेना,
कब तक? अरे जिस दिन हम जब तक हम शहर में अमन चाहेंगे बस जब तक हम जब तक अमन चाहेंगे जब तक जिस दिन हमने चाह लिया कि अमन नहीं उसके बाद ये बात बोलना चाहिए। और मैंने पहले भी तुमसे कहा था, इलेक्शन के पीरियड में भी कहा, आज दोबारा कह रहा हूं। आप लोगों को शायद मेरी बात मजाक लगी होगी या कोई अहमियत आप लोगों ने नहीं दी। आप लोगों को पता नहीं है, अगर 35% वोट अगर वार्ड नंबर 21 से तुम्हारी गई तो तुम्हारी आधार कार्ड का लिंक करके उनके फोटो चिपकाकर बोगस वोट गिराई गई है। और पूरे शहर के अंदर इन्होंने बोगस वोट गिराई, आधार कार्ड बनाए। मैंने पहले भी कहा था, हमारी मां बहनों को 200 रुपया देकर आधार कार्ड की जॉब से ली गई। और उसके बाद आप लोगों के साथ धोखा किया गया। आपको बेदार रहने की जरूरत है। सही मानों में अब तो आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आया, इन्होंने बहुत राज लिया, अब तो राज देने का टाइम आया। अब तो राज हम लेंगे ना, राज हम लेंगे। और अल्लाह का करम है तो ऑलराउंडर क्रिकेटर हूँ। अकीदत का पर्दा जब उठेगा तुम्हारे चेहरे पे से, जब तुमको होश आएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती शहर के अंदर कर, जब आपको आएगा। मैं तो चाह रहा था ये शहर को साथ लेकर चलने की कोशिश करना चाह रहा था। मैं तो चाह रहा था कि सबका साथ लेकर मैं चलूं, सबका मैं काम करूं, सबके बच्चों को मैं तालीम दूं, सबके बच्चों का विकास करूं, सब हमारे भाइयों का मैं ख्याल रखूं। मैं तो सबका चाह रहा था, लेकिन तुमने जो मुझको हरा कर जो गलती की, शायद आज आप खुश होंगे, लेकिन वक्त जब आएगा तो जरूर ये शहर अफसोस करेगा कि बहुत बड़ी गलती हमने कर दी। दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, दोबारा माफी चाहता हूँ कि मैं 5 साल ये शहर को तरक्की के ऊपर ले जाने के लिए मैंने आपको वक्त नहीं दे पाया। लेकिन मैं जरूर आपसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर सिर्फ आप लोगों के बीच में जीना है और आप लोगों के बीच में मरना है। और मेरे की कुर्सी अगर मेरे नसीब में रहेगी तो आइंदा 5 साल बाद मिलेगी, और नहीं नसीब में रहेगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा फैसला मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ये बात मैं आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग बेदार हो जाओ। अगर आप लोग बेदार नहीं हुए, यकीन जानो ये शहर के अंदर आज किसी भी गरीब को टप्पू मारा जा रहा। आज चंद लोग मार रहे हैं, कल बहुत ज्यादा लोग तुमको टप्पू मारेंगे। याद रखना मेरी बात, कर इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ, तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर पूछो, अपने जमीर से पूछो, अपने दिमाग से सोचो, सिर्फ सोचो। कल नतीजा आया, एक तो मुझे कल तक नतीजा आने तक मैं मिले था, आप लोगों का ही मिले, आप लोगों की सरपरस्ती थी। ये बोला जाता था शेख आसिफ
तीन लोगों का एजेंडे उसके बाद फरक 2 बजे के बाद 2 बजे तक मैं आपसे मिले था, कल 2 बजे के बाद मैं आपसे मिले नहीं था। फर्क महसूस करो कि तुम्हारे रोल के ऊपर आकर तुम्हारे खिलाफ नारे लगाए गए। किसी की मां ने झूठ किया था कि अगर 2 से पहले आके करके बताता। बर्दाश्त करो, 5 साल भुगतना है आपको, इसलिए बोल रहा हूं बेदार हो जाओ। अगर बेदार नहीं हुए तुम्हारे घरों के अंदर आकर जुल्म तुम पर किया जाएगा, तुम्हारी इज्जत ली जाएगी। महसूस कर लो सिर्फ कल 2 के बाद से कली मारे हम। और तुम इलाके के अंदर आकर कि आज से मैं आइंदा की लड़ाई के लिए निकल चुका हूं, आइंदा की लड़ाई के लिए तुम्हारे खिलाफ में सियासत करने के लिए, ये शहर के आवाम के काम करने के लिए वापस मैं शहर में निकल चुका हूं, तो मुझको रोक नहीं पाओगे, और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, मुझे बताओ अगर मैं नौजवानों की दावत के ऊपर, नौजवानों की दावत के ऊपर अगर मैं यहां पर आया तो हमारे मुखालिफ लोगों को क्या जरूरत थी हमारी गर्दी के अंदर आना, क्या जरूरत थी? यानी इतना खराब लग रहा है कि मैं आज निकल गया वापस, क्यों ये लोगों ने बुलाया, क्यों मुलाकात के लिए बुलाया? ये आपका हौसला तोड़ना चाहते हैं, ये आपके हौसले को तोड़ने के लिए आकर यहां पर दादागिरी करने के लिए आई है। ये सिर्फ गुलशेर नगर से शुरुआत हुई है, अभी तो यहां से शब्बीर नगर भी पहुंच रहा हूं मैं, चौक भी पहुंच रहा हूं, आगे औरंगाबाद भी आज ही जाऊंगा, रोजाना 3-4 जगह जाऊंगा, कहां कहां रोकोगे? और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूं, मैं आज आप लोगों से अपील करता चाहता हूं कि हम लोग को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि इंसान की फितरत है कि बर्दाश्त की एक हद होती है, इंसान की एक फितरत होती है, बर्दाश्त की एक हद होती है, और जब बर्दाश्त खत्म हो जाएगा तो ये शहर के अंदर अमन खराब होगा, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस होगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अरे तुम्हारे पास तो सत्ता आ गई ना, सत्ता कर लो, काहे को गरीब को परेशान कर रहे, मुझसे कर लो, कर लो। मैं तो तुम्हारे सामने लड़ा, मुकाबला किया, और मुकाबला हार और जीत होती है मुकाबले में, मुकाबला किया हूं, अब तो तुम्हारे पास पावर आ गया, तुमने तो किसी को एमएलए बना दिया। असल में ये शहर की आवाम ने, झुपड़पट्टी की आवाम ने उन लोगों को देखकर ओट नहीं दी हमारे मुखालिफ में, असल में ये अवेसी का झपेटा था, उसके झांसे में आप लोग आ गए, ये काला टैग कर रहे हैं, देखे हमने, हमारे वजह से असल में 2 लहर चली, एक अंदरूनी और एक ऊपर, इसके अंदर ये शहर बह गया, और नहीं तो किसी, ये अवेसी का करिश्मा और अंदर का करिश्मा है, और नहीं तो इनके कुछ नहीं है, इनकी किसी ने नहीं सुना, अगर इनकी किसी कोई सुनता तो मैं 50,000 भी क्रॉस नहीं करता, 50 भी नहीं कवर कर सकता था। अरे लेकिन अल्लाह का करम है, मुकाबला तो तुमसे था ही नहीं, अरे वो तो अवेसी से मेरा मुकाबला था,
सामने लड़ना था उनको बिगर बुलाए, क्यों दूसरे टाइम बुलाना पड़ा? क्योंकि तुमको लग रहा था कि जमीन खसकने वाली है। तीन टाइम तुमको लग रहा था, इसके लिए तुम नहीं फूट पा रहे थे तो उसको बुलाए। तीन टाइम बार बार बोला करता था, मैं बार बार बोला करता था कि ये एमआईएम के लोग महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार बैठाने के लिए आए। 40 सीट गिरी हार गई कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सेकुलर पार्टियों की फतेह। आज 103 सीट कांग्रेस राष्ट्रवादी की आई, अगर उसको 40 मिला लो, अबू हसीम आजमी की दो मिला लो, तो 145-40 के ऊपर हुकूमत बन जाती है। 145-40 के ऊपर मिला लो तुम। इन्होंने दो सीट लाई सिर्फ, अरे दो सीट सिर्फ आई, इन्होंने वोट का डिवाइडेशन किया और इन्होंने भाजपा को फायदा पहुंचाया और ये वापस हैदराबाद चले गए। लेकिन क्या हुआ, अगर हमारी सरकार आती तो हम लड़कर हमारा हक लेते, हमारे काम करते, गरीबों के काम करते, रिजर्वेशन हासिल करते और बहुत सारे विकास के काम हम लोग कर सकते, मॉब लिंचिंग के खिलाफ में कानून बना सकते थे, बहुत सारी चीजें हम कर सकते थे। लेकिन इन लोगों ने वोट का डिवाइडेशन करके ये शहर को नहीं बल्कि इस महाराष्ट्र के मुसलमानों का सौदा करके भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम किया है। आप लोगों को बेदार रहने की जरूरत है और बेदारी अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अब ऐसा नहीं चलेगा कि इलेक्शन आएगा तो बेदार रहेंगे। आपको हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर 5 साल आपको बेदार रहना पड़ेगा। आप खुली रखना पड़ेगा, जब जाकर हम आगे की लड़ाई लड़ सकते, जब जाकर आगे की लड़ाई जीत सकते। या आपको फैसला करना है कि क्या करना है आप लोगों को। मेरी जिम्मेदारी जिस तरीके से 5 साल मैंने निभाया उससे कहीं ज्यादा बढ़कर आपके लिए जीना है और आपके लिए मरना है। मैं आखिर में आप सभी लोगों को बहुत बहुत, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। हम, हमारा पूरा परिवार आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह आखिर तक आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग अमन से हम लोगों को इस शहर को आगे ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।